जी की कथा। विनायक भगवान थे, वो सब थोड़े से चावल और थोड़ी सी गुलिया में दूध लेके सबसे बोल रहे कि मेरी खीर बना दो, मेरी खीर बना दो। तो लोग कह रहे कि अरे इतने से जरा से चावल से क्या खीर बनाएंगे। तो ये सब ने मना कर दिया। एक बुढ़िया माई ने कहा, ला बेटा मैं बना देती तेरी खीर। विनायक जी ने उन्हें चावल और गुड़िया का दूध दे दिया। बूढ़ी माई रसोई में सामान रख के आई और बर्तन लेने पड़ोस में गई। विनायक जी ने कहा कि बूढ़ी माई कहाँ जा रही हो? कहने लगी मैं बर्तन लेने जा रही हूँ। तो कह रही जा अपने रसोई में सब रखा हुआ है। तो देखा तो बड़ी सी बारात में चावल रखे थे और इतने बड़े भगोने में दूध रखा था। बूढ़ी माई ने चूल्हा जलाया और खीर चढ़ाई और बाहर चली गई। खीर उबलते उबलते नीचे गिरने लगी तो बहू ने कटोरा रखकर खीर कटोरे में भर ली और विनायक जी पीछे बैठे थे उन्हें छींटा मार दिया और खीर खुद खा गई। बूढ़ी माई बाहर से आई, कहने लगी कि आ बेटा जीम ले। तो विनायक जी बोलने लगे मैंने खा ली। खा ली? कब खाई? जब तेरी बहू ने खाई। तो सास ने बहू से पूछा, बहू तूने खीर खा ली? मैंने कहा माँ खीर गिल उबल रही थी और क्या कहते हैं मैंने कटोरी में रख के विनायक जी को छींटा मार दिया और खुद खा गई। तो बूढ़ी माई बोली कि अब इस खीर का क्या करूँ? विनायक जी महाराज ने कहा खा और बांट। फिर बूढ़ी माई बांटने लगी सबको खीर। तो लोग बात कहने लगे कल तक तो इसके घर में कुछ नहीं था, खाने के लाले पड़ रहे थे, आज कटोरा भर भर के खीर बांट रही है। विनायक महाराज ने ऐसी कृपा करी तो झोपड़ी में लात मारी तो महल दो महल हो गए और घर में सारे भंडार भर दिए। हे गणेश महाराज, जैसे बुढ़िया माई को